आज के इस वीडियो के द्वारा हम एक ऐसा स्टार्टर बनाने वाले हैं जिसमें होगा क्या, जो हमारा स्ट्रीट लाइट होती है, इस स्ट्रीट लाइट को हम दो तरीके से चालू कर सकेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, इसको यदि हम मैनुअल पोजीशन पे रख दें तो जो हमारा पुश बटन है, इसके द्वारा हम स्ट्रीट लाइट को चालू कर सकें और पुश बटन के द्वारा ही इसको ऑफ कर सकें। इसके अलावा यदि हम सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट कर दें तो जो हमारा फोटो सेल है, इस फोटो सेल को यदि रोशनी नहीं मिलता है, जैसे कि मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ, तो जो मेरा लैंप है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं लैंप ऑन हो गया। अब यदि दोबारा उजाला हो जाता है तो जो हमारा लैंप है, मतलब कि स्ट्रीट लाइट है, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। मतलब कि रात होने पर स्ट्रीट लाइट चालू हो जाएगा और दिन होने पर ऑटोमेटिकली लैंप ऑफ हो जाएगा। तो किस प्रकार से पूरा वायरिंग करेंगे, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ में जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम के जरिए भी पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉन्टेक्टर है, इसको हमें दो तरीके से चालू करना है। सबसे पहले तो हमें पुश बटन के द्वारा चालू करना है, तो इसका हम वायरिंग कर देते हैं, उसके बाद इसका वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा MCB है, इस MCB का जो फेस वाला टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर से जो फेस सप्लाई जाएगा, वो जाएगा सबसे पहले स्टॉप पुश बटन में। तो इस स्टॉप पुश बटन को मैं पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है, इससे पावर सप्लाई जाना चाहिए सेलेक्टर स्विच में। तो सेलेक्टर स्विच में आप देखोगे पीछे में मैंने दो एनो कॉन्टैक्ट लगा के रखा हूँ। दोनों एनो कॉन्टैक्ट है, तो किसी भी एक कॉन्टैक्ट का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा, वो सेलेक्टर स्विच में जाना चाहिए, तो इसको मैं ले जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। तो अभी तक जो हमने वायरिंग की, इस वायरिंग में क्या हुआ, जो हमारा फेस सप्लाई है, फेस सप्लाई को सबसे पहले स्टॉप पुश बटन के साथ कनेक्ट कर दिए। स्टॉप पुश बटन से जो पावर सप्लाई जा रहा है, वो जा रहा है सेलेक्टर स्विच में, और जो सेलेक्टर स्विच का एक पॉइंट है, उस पॉइंट से पावर सप्लाई हमें लेके जाना है स्टार्ट पुश बटन के लिए। और स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने के बाद जो पावर सप्लाई जाएगा, वो जाएगा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। अब जो कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट है, उस कॉन्टेक्ट को भी होल्डिंग के लिए यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। तो इतना जो कनेक्शन है, इसको हम कर देते हैं। इसके बाद ये जो फोटो सेल है, इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच का जो आउटपुट टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं इस वायर को ले जाके इसके आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इससे जो पावर सप्लाई जाएगा, वो जाएगा हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है, उसके लिए। तो मैंने इस पुश बटन को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको यदि हम प्रेस करें तो पावर सप्लाई इस वायर के जरिए फ्लो होगा, और इसको ले जाके हमें कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। मतलब कि कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल होता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर A1 टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब जैसे कि इस ड्राइंग में बताया गया कि जो स्टार्ट पुश बटन है, इसके पैरेलल हमें इस कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करना है होल्डिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट पुश बटन है, इसके इनपुट टर्मिनल पे और आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके जो एनो कॉन्टेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए मैं एक वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस वायर को क्या करूँगा, स्टार्ट पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे इस प्रकार से कनेक्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब इससे जो पावर सप्लाई जाएगा, वो जाएगा कॉन्टेक्टर के एनो कॉन्टेक्ट पर। तो मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना था हमें इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करता हूँ कि जो एनो कॉन्टेक्ट है, इस पे एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ, और इस वायर को ले जाके A1 टर्मिनल पे लूपिंग कर देता हूँ। A1 टर्मिनल पे जो पावर सप्लाई आ रहा है, वो इसी पॉइंट से आ रहा है, तो यहाँ पे वायर कनेक्ट कर दो, चाहे यहाँ पे, बात एक ही होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को मुझे न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होगा। तो MCB का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, उस पॉइंट पे एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, और इस वायर को ले जाके कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब इतना कनेक्शन करने के बाद, यदि मैं MCB को ऑन कर दूँ, MCB को ऑन करने के बाद सेलेक्टर स्विच को यदि मैं मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट कर लूँ, और इसके बाद जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको यदि मैं प्रेस कर दूँ, तो कॉन्टेक्टर मेरा चालू हो जाएगा। मतलब कि कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट होगा, उसके जरिए पावर सप्लाई फ्लो होते हुए हमारे स्ट्रीट लाइट को चालू कर देगा। अब यदि मुझे इस कॉन्टेक्टर को ऑफ करना है, तो सिंपली स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर दूंगा, कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो अभी के टाइम पे जो वायरिंग किया गया, इस वायरिंग में हम केवल पुश बटन के द्वारा कॉन्टेक्टर को चालू कर सकते हैं और पुश बटन के द्वारा इसको ऑफ कर सकते हैं। अब यदि हमें इस कॉन्टेक्टर को ऑटोमेटिकली चालू बंद करना है, तो इसके लिए हम फोटो सेल का वायरिंग करेंगे। ये जो फोटो सेल है, इसका वायरिंग करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना होता है, फोटो सेल का जो वायर है, इसमें आपको टोटल 3 वायर मिलेगा, एक रेड वायर, एक ब्लैक वायर और येल्लो वायर।
जो रेड वायर होगा इसको आपको कनेक्ट करना है फेस सप्लाई के साथ, ब्लैक वायर को कनेक्ट करना है न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ में। यदि आप इस फोटो सेल को फेस सप्लाई न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर दोगे तो आपका जो फोटो सेल है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही अंधेरा होगा तो अंधेरा होने के बाद ये जो येल्लो वायर है इस वायर में पावर सप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो पावर सप्लाई है इसके जरिए आप डायरेक्टली चाहे तो लैंप को चालू बंद कर सकते हो या फिर इस कॉन्टेक्टर को भी चालू बंद कर सकते हो। तो इसका कनेक्शन किस प्रकार से स्टार्टर में करेंगे सर्किट डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। देखिए ये जो सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में बताया गया है कि जो रेड वायर है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रेड वायर, जो रेड वायर है इसको ले जाके हमें सेलेक्टर स्विच के साथ कनेक्ट करना है, जिससे कि सेलेक्टर स्विच को यदि हम ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करें तो पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए इस वायर में फ्लो हो, मतलब कि फोटो सेल को फेस सप्लाई मिल जाए। ठीक है, अब इस फोटो सेल का जो ब्लैक वायर है इसको हम डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और इस फोटो सेल का जो येल्लो वायर है इस वायर को ले जाके हम कॉन्टेक्टर को फेस सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए कनेक्शन करेंगे। हम चाहे तो इस वायर को पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे, कॉन्टेक्टर के एनो कॉन्टेक्ट के आउटपुट टर्मिनल पे या फिर कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहाँ कनेक्ट करेंगे वायरिंग में देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो फोटो सेल है इस फोटो सेल का जो रेड वायर है इस वायर को ले जाके हम क्या करते हैं, जो सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच का जो ऑटो पोजिशन है, मतलब कि इस तरफ रोटेट करने के बाद जिस कॉन्टेक्ट में चेंजेस होगा उस कॉन्टेक्ट के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। ये जो वायर है इस वायर को ले जाके मैं इस एनो कॉन्टेक्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो एनो कॉन्टेक्ट है इसके इनपुट टर्मिनल पे भी पावर सप्लाई मुझे प्रोवाइड करना होगा, मतलब कि मुझे एक वायर को यहाँ से यहाँ पे लूपिंग करना पड़ेगा। तो मैं इस वायर के जरिए पावर सप्लाई का लूपिंग कर देता हूँ इस प्रकार से। जो हमारा पुश बटन है इससे पावर सप्लाई इस पॉइंट पे आएगा और यहाँ से पावर सप्लाई इस पॉइंट पे भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोटो सेल है इस फोटो सेल को मैंने फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ये जो वायर है इस वायर को ले जाके कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इस वायर को भी कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो आउटपुट वाली वायर है, मतलब कि जो येल्लो वाली वायर है, इस वायर को ले जाके हमें कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। A1 टर्मिनल पे मैंने ऑलरेडी 2 वायर कनेक्ट कर दिया हूँ, तो इसको क्या करता हूँ कि ये जो एनो कॉन्टेक्ट है इसी के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये जो टर्मिनल है इस पे पावर सप्लाई प्रोवाइड करने पे क्या होगा, ये जो वायर इसके जरिए पावर सप्लाई लूप होके A1 टर्मिनल पे चला जाएगा, मतलब कि पावर सप्लाई हमारा A1 टर्मिनल पे चला जाएगा इसके जरिए भी। ठीक है, तो ये जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम के अनुसार मैंने पूरा कनेक्शन कर दिया। अब इस कनेक्शन के साथ में मैं एक लैंप को कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये बता सकूँ कि कॉन्टेक्टर चालू है कि बंद है। ठीक है, तो ये जो लैंप है इस लैंप को मैंने कॉन्टेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यदि मैं MCB को ऑन कर दूँ, MCB को ऑन करने के बाद यदि मैं सेलेक्टर स्विच को मैनुअल पोजिशन पर सेलेक्ट कर दूँ, इसके बाद जो मेरा पुश बटन इसको यदि मैं प्रेस करूँ तो आप देख सकते हो कॉन्टेक्टर चालू हो गया, मतलब कि स्ट्रीट लाइट मेरा चालू हो चुका है। अब यदि मुझे स्ट्रीट लाइट को ऑफ करना है तो सिंपली इस वाले पुश बटन को प्रेस करके स्ट्रीट लाइट को ऑफ कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा स्ट्रीट लाइट है वो ऑटोमेटिकली रात को चालू हो जाए और दिन में ऑफ हो जाए, तो इस काम को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो सेलेक्टर स्विच है इस सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजिशन पे सेलेक्ट करना होगा। ऑटो पोजिशन मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे अंधेरा कर देता हूँ, आप देखोगे जो मेरा स्ट्रीट लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं लैंप ऑन हो चुका है, लाइट के चालू करने पे आप देखोगे लैंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। आप यहाँ पे देखिए जैसे ही फोटो सेल को पता चलेगा कि अंधेरा हो चुका है, मतलब कि रात हो चुका है, तो स्ट्रीट लाइट को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा और जैसे ही उजाला होगा जो हमारा स्ट्रीट लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं लाइट ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।